जादुई सुनहरा शहर पार्ट टू। गौरी एक फुटपाथ पर सो रही थी। सोते सोते उसे एक सपना आया। सपने में गौरी के सामने एक देवी माँ प्रकट होती हैं। तुम्हारे माता पिता आसमान में तारे बनकर तुम्हें देख रहे हैं और इसीलिए वो मुझे तुम्हारे पास भेजते हैं। जब भी तुम्हें कोई परेशानी होगी तो मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ गौरी, जिस भी चीज को तुम छू लोगी वो सोना बन जाएगा। आज से तुम्हारी सारी परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। लेकिन मेरे वरदान का कभी भी दुरुपयोग मत करना, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। देवी माँ, मैं इस वरदान से हमेशा अच्छाई करूंगी और मुसीबत में पड़े सारे लोगों की मदद करूंगी। जैसे ही गौरी की सुबह आंख खुलती है, वो एक फुटपाथ पर सो रही होती है। ओह, कितना अच्छा सपना था। काश कि ऐसा ही हो जाए और मैं किसी भी चीज को छू लूं वो सोने में बदल जाए। जैसे ही गौरी अपने ऊपर से चादर हटाती है, वो चादर सोने में बदल जाती है, जिसे देखकर गौरी हैरान हो जाती है। हे भगवान, लगता है देवी माँ का सपना सच था। ये कोई झूठा सपना नहीं था। उन्होंने मुझे सच में वरदान दिया है। अब मैं दोबारा चीजों को छूकर उन्हें सोने में बदल सकती हूँ। ये सोचकर वो बहुत खुश हो जाती है और सबसे पहले वो गांव की सैर करने जाती है, ताकि वो दुखी लोगों की मदद कर सके। तभी रास्ते में उसे बूढ़ी औरत अपने आंगन में रोते हुए दिखाई देती है। अम्मा, आप क्यों रो रही हो? बूढ़ी औरत कहती है, क्या बताऊं बिटिया, मेरा बेटा बीमार है और मेरे पास एक रुपया नहीं है, उसका इलाज कैसे करवाऊं? अम्मा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। जाओ, अपने घर से कुछ बर्तन उठाकर ले आओ। गौरी की बात सुनकर बूढ़ी औरत अपने घर से कुछ बर्तन उठाकर ले आती है, जिसके बाद गौरी उन्हें छू लेती है। उसके छूते ही वो बर्तन सोने में बदल जाते हैं। बेटा, ऊपर वाला तेरा हमेशा भला करे और तुझे जिंदगी में तरक्की दे। बूढ़ी औरत का आशीर्वाद लेकर गौरी आगे की तरफ निकल जाती है, जहां वो एक कुम्हार को रोते हुए देखती है। वो उससे पूछती है, क्या हुआ काका, आप रो क्यों रहे हो? अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं आपकी परेशानी का समाधान कर सकती हूँ। कुम्हार गौरी की तरफ देखकर और रोने लगता है। तभी वो रोते हुए कहता है, क्या बताऊं, मेरी बड़ी बेटी की शादी है जिसके लिए मेरे पास पैसे नहीं है। शादी को कुछ ही दिन बचे हैं। अगर समय पर मैंने पैसों का जुगाड़ नहीं किया तो भरी सभा में मेरी बेइज्जती हो जाएगी। लड़के वालों ने दहेज का पूरा सामान मांगा है, अगर उन्हें नहीं दिया तो वो मेरी बेटी का जीना हराम कर देंगे। अरे काका, बस इतनी सी बात पर आप रो रहे हो, मैं अभी आपकी समस्या का तुरंत समाधान करती हूँ। गौरी उसके बनाए हुए मिट्टी के बर्तनों को छूकर सोने का बना देती है, जिसे देखकर कुम्हार अचंभित रह जाता है। ये कैसे मुमकिन है? ये नहीं हो सकता, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। तुम किसी भी चीज को छूती हो तो सोने में बदल जाता है। काका, अब आप अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करवाना और किसी भी बात की चिंता मत करना। अगर जरूरत पड़े तो मुझे बता देना, मैं आपकी दोबारा मदद जरूर करूंगी। ये कहकर गौरी आगे निकल जाती है। धीरे धीरे वो गांव के कई लोगों की मदद करती है। गौरी जिसे भी छूती वो सोने में बदल जाता। ये बात धीरे धीरे गांव के मुखिया तक पहुंच जाती है। क्या कहा, ऐसी लड़की जो किसी भी वस्तु को छुए और वो सोने में बदल जाए, ये कैसे मुमकिन है? अजय, मुमकिन ही मुमकिन है। मैं तो कहता हूँ साहब, उस लड़की को उठवा दो, उसके बाद तो आप सोने में खेलोगे, आपका घर भी सोने का हो जाएगा और तो और पूरा गांव सोने का हो जाएगा। बात तो तू पते की कह रहा है, मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था। अगर वो लड़की हमारे हाथ लग जाए तो हम पूरे गांव को सोने का बनवा देंगे। इससे तो हमें बहुत फायदा होगा। आज रात हमारे आदमियों को पूरे गांव में फैला दो, जहां भी लड़की मिले उसे उठाकर मेरे पास ले आओ। नत्थू अपने मालिक का ऑर्डर सुन लेता है, जिसके बाद वो गौरी को पकड़ने के लिए गांव के चारों तरफ अपने आदमियों को भेज देता है। तभी एक आदमी गौरी को पकड़कर सीधा मुखिया के घर ले आता है। कमाल है बिटिया, तेरे हाथों में तो, तूने तो चमत्कार को भी फेल कर दिया।
अब तो मुझे इतना अमीर बनाएगी कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। जैसा मैं कहता हूँ तुझे वैसा ही बोलना होगा, नहीं तो मैं तेरा वो हाल करूंगा जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। मालिक, मालिक मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं तो केवल लोगों की सहायता कर रही हूँ, मेरा क्या कसूर है, आपने मुझे क्यों बंदी बनाया है। सबका भला करते करते मेरा भी भला कर और पूरे गांव को सोने का बना जिससे मैं सबसे ज्यादा अमीर हो जाऊं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, अगर ऐसा किया तो देवी माँ नाराज हो जाएंगी। जैसा बोलता हूँ वैसा कर, वरना तू जानती नहीं कि मैं क्या कर सकता हूँ। गौरी बहुत डर जाती है, जिसके बाद वो जमीन पर हाथ रखकर कहती है, मेरा पूरा गांव सोने में बदल जाए। गौरी के इतना कहते ही गांव के सभी घर, आसपास की चीजें, जमीन, सारी चीजें सोने में बदल जाती हैं। यहाँ तक कि हैंडपंप से निकला पानी भी सोने का निकलने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मुखिया गौरी को एक काल कोठरी में कैद कर लेता है। लेकिन गांव सोने का होने के बाद भी गांव के सभी लोग परेशान हो जाते हैं। एक आदमी पानी पीने के लिए हैंडपंप चलाता है। अरे ये क्या, पानी में तो सोना निकल रहा है, अब हम ऐसे कैसे पिएंगे? अगर ऐसे ही चलता रहा तो गांव के सभी लोग भूखे प्यासे मर जाएंगे। हाँ भाई बिल्कुल, जो भी खाना बना रही हूँ मैं वो सोने का बनता जा रहा है, सुबह से भूख से मर रहे हैं हम। सभी को मुखिया के पास जाना चाहिए और उस गौरी नाम की लड़की को ढूंढ कर गाँव को पहले जैसा बनाना चाहिए। सभी लोग मिलकर मुखिया के घर जाते हैं और उनको कहते हैं, मालिक गांव में हर एक चीज सोने की हो गई है, पूरा गांव सोने से सुनहरा हो गया है, अब हम खाएंगे क्या, और पानी भी नहीं है, पानी भी सोने का ही आ रहा है। देखो जो भी है ऐसे ही गुजारा करना होगा, मैं इस गांव को एक अनोखा गांव बनाऊंगा, यहां बाहर से लोग आएंगे और हमारे गांव को देखेंगे, जिसे यहां रहना है वो यहां रह सकता है, बाकी लोग यहां से जा सकते हैं। मुखिया के आदेश के आगे गांव वाले कुछ नहीं कर पाते, जिसके बाद कुछ लोग गांव छोड़कर चले जाते हैं। वहीं मुखिया बाहर के लोगों को गांव बुलाने लगता है और गांव के सोने को डबल रेट पर बेचकर खूब पैसा कमाने लगता है। वहीं बेचारी भूखी प्यासी गौरी काल कोठरी में रोते हुए देवी माँ को याद करने लगती है। देवी माँ आप कहाँ हो, अगर आज आप नहीं आई तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। गौरी के याद करने पर देवी माँ प्रकट हो जाती है और गौरी से कहती है, गौरी तुम चिंता मत करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जिसने भी ये सब किया है मैं उसको इसकी सजा जरूर दूंगी। ये कहकर देवी माँ गौरी को वहाँ से बाहर निकालती है, जिसके बाद देवी माँ गांव को पहले जैसा कर देती है। लेकिन मुखिया का घर एक वीराने में बदल जाता है और उसके पास खंडहर ही खंडहर होते हैं। हे भगवान, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरा सब कुछ मिट्टी में मिल गया, अब मैं क्या करूं? मुखिया के ऊपर गांव के सभी लोग बहुत नाराज होते हैं, इसलिए वो मुखिया को गांव से निकाल देते हैं, जिसके बाद गांव वाले खुशी खुशी गौरी के साथ रहने लगते हैं। अब गौरी को माँ और पिता जैसा प्यार गांव के सभी लोग मिलकर देने लगते हैं और गौरी सबके साथ खुशी खुशी रहने लगती है।